जय श्री राम। गए सुबह बज रहे 5, हम जाने वाले गए इस मंदिर, वहाँ पे जाकर दिखाते। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं और चप्पल यहाँ खोल दिए और अंदर एंट्री है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से बनाया है यहाँ पे मंदिर। और ये नवादा का सबसे अच्छी मंदिर में, यहाँ पे आपको गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो यहाँ का लोकेशन आ जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं मंदिर को कितना बेहतरीन तरह से बनाया है। तो चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से बनाया है गाइस। यहाँ हनुमान जी का प्रतिमा है, देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ का दम मंदिर का जो भी डेकोरेट किया गया है, मंदिर को इतना अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, लाइट वाइट का बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग किया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से किया है गाइस। टाइल्स वैस सब लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को और भी दिखाते हैं गाइस। ये तो हनुमान जी का प्रतिमा था, और भी दिखाते हैं गाइस। तो देख सकते हैं चलिए आप लोग और दिखाते हैं गाइस। बहुत ही अच्छे तरह से लाइट वाइट सब का व्यवस्था लगा हुआ है गाइस। चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं राधा रानी जी का। देख सकते हैं राधा रानी जी का बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिमा बनाया गया, लाइट वाइट सब चीज का व्यवस्था हर तरह से, कुछ चीज में यहाँ पे कोई चीज का भी इतना बेहतरीन से बनाया है ना, कोई चीज का भी गलती यहाँ पे नहीं मिलेगा गाइस। बहुत ही साफ सुथरा मंदिर है। और ये नवादा का सबसे फेमस मंदिर है जो कि गोवर्धन मंदिर है, जो अस्पताल रोड में है, नवादा के अस्पताल रोड में। चलिए राधा रानी जी का दर्शन हो गया, आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरह से वहाँ पे बैठने का व्यवस्था भी दिया हुआ, वहाँ पे नल वगैरह भी दिया है पानी पीने के लिए। देख सकते हैं बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत ही बड़ा। यहाँ हवन कुंड होता है, इस पार्ट में हवन कुंड ये सब भी होता है। और यहाँ गणपति जी का है छोटा सा मूर्ति, लेकिन बहुत ही मस्त है। और देख सकते हैं उधर बैठने उठने का व्यवस्था होता है, क्योंकि यहाँ पे हवन होता है तो वहाँ पे पंडाल वगैरह सब लगता है। और उधर शायद उधर मंदिर है ना, मंदिर है, उधर मंदिर नहीं है, बट उधर व्यवस्था है शायद पंडित जी ये सब का विश्राम का शायद है ना। तो चलिए गाइस आप लोग को और दिखाते हैं, जो कि शिवलिंग है बहुत ही मस्त है, देख सकते हैं नंदी महाराज बहुत ही अच्छे हैं, देख सकते हैं बहुत ही मस्त है। और इस मंदिर का डेकोरेट इतना मस्त से किया गया है ना गाइस, बहुत ही मस्त से इस मंदिर का डेकोरेट किया गया है गाइस। एक एक चीज का यहाँ पे बहुत अच्छा से सुधार किया गया है गाइस। देख सकते हैं इधर शायद पंडित जी ये सबके सोने का कुछ होगा। देख सकते हैं बच्चे लोग खेल उल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हैं गाइस, फाइनली आप लोग को दिखा दिए। अब दूर से आप लोग को दिखाते हैं, ये है बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़। शायद हम लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे तभी देखते थे गाइस, बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे कोई चुंदरी उंदरी मन्नत के लिए सबसे अच्छा है, चुंदरी उंदरी कुछ बांध वहां देते हैं तो शायद मन्नत उन्नत मिलता होगा गाइस, पता नहीं, बट बहुत ही मस्त है। आप लोग देख सकते हैं सफाई का तो गंदगी थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा गाइस। तो देख सकते हैं पूरा ही
मंदिर को इतना अच्छा से डेकोरेट किया गया है ना। मेन गेट यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, इधर बैठने के लिए है। फाइनल लुक देख सकते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। एंड वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन।